भालू हमारा सोनू नाम का भालू है। ये काफ़ी समय से इंदौर जू में, और इसका बर्थ भी इंदौर जू में हुआ था। पर जो नॉर्मल एज लाइफ रहती है उनकी, जो लाइफ रहती है वो करीब 25 से 30 साल की रहती है। इसकी उम्र 33 साल की हो चुकी है, और ऐसे बुजुर्ग भालू को पिछले 2 साल से लगातार उसको पैरालिसिस के तकलीफ चल रही है, और उसका जो हाइंड क्वार्टर है, जो पिछला पोर्शन है, वो कंप्लीट पैरालाइज्ड है। उस पैरालिसिस होने के कारण ना तो खड़ा हो पाता, ना चल पाता, खाने में भी उसको बहुत दिक्कत आती। एक कीपर हम लोगों ने इसी की सेवा के लिए लगा रखा है, जो अपने खुद हाथों से उसको फीडिंग कराता है, हाथ से दूध पिलाता है, हाथ से शहद खिलाता है। और बड़ा पेनफुल कंडीशन है उसकी, बहुत ज़्यादा उसको तकलीफ होती है। ऐसी कंडीशन में एनिमल्स को बेड सोर होने के भी पूरे पूरे चांसेस बन जाते हैं, जिससे मैगटाइज वुंड हो जाते हैं और उसको काफ़ी पेन होता है। और जो मैगट्स काटते हैं उसको बॉडी के अंदर, वो अलग उसको तकलीफ सहना पड़ती है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो रूल्स हैं सेंट्रल जो अथॉरिटी की, वो एडवाइस करते हैं कि अगर एनिमल ऐसी तकलीफपूर्ण स्थिति में जी रहा है, जिसका प्रोग्नोसिस बहुत ही पुअर है, जो बिल्कुल किसी हालत में रिकवर नहीं हो सकता है। हालांकि हम लोग भी इसकी पूरी मेडिकेशन आज भी उसका चल रहा है, और पिछले 2 साल में हम लोगों ने वेटरनरी कॉलेज मऊ से भी कॉन्टेक्ट किया था, उनके भी गाइडलाइन हम लोगों ने फॉलो की थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा उसको। ऐसी स्थिति में हम लोगों के लिए एडवाइजेबल रहता है कि हायर अथॉरिटी को चिट्ठी लिखें और उसके बारे में उसकी वस्तु स्थिति से अवगत कराएँ। और ऐसे एनिमल के लिए जो यूथेनेशिया, जिसको हम लोग हमारी जो टेक्निकल जो प्रोसेस होती है, उसको हम यूथेनाइज करते हैं एनिमल को, और जिसमें पेनलेस उसमें डेथ होती है एनिमल की, तो हम लोग उसी के लिए हम लोगों ने